जब डाक और बीज जवा होते हैं, उसके लक्षण और उसके उनके हाव भाव क्या होते हैं, चलो आज इस वीडियो में देखते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बीज साल में दो बार 15 से 20 दिन के लिए हीट पर आती है। डॉग 7 से 12 महीने में मीटिंग के लायक हो जाता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी कि मैच्योर हो जाता है, तथा डॉग 10 से 12 सालों तक मीटिंग कर सकता है। मेल डॉग मैच्योर होने के बाद बीच के साथ मेल मिलाप या फिर मीटिंग के फिराक में हमेशा रहता है, परंतु बीच साल में दो बार ही हीट में आती है। उसी दौरान ही बीच मिलन के लिए तैयार होती है। इस दौरान बीच अपने यूरिन के साथ एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर लंबी दूरी से भी आकर्षक होकर मीटिंग के लिए उसके पास आता है। इस दौरान गली मोहल्ले में एक दो नहीं बल्कि एक बीच के पीछे कई डॉग इकट्ठा हो जाते हैं। विचित्र बात यह है कि हीट के प्रोस्टस काल में डॉग को बीच आकर्षक करती है, पर उसे मीटिंग करने नहीं देती। इसी बीच में स्ट्रस यानी असली पीरियड शुरू होते ही व्यवहार में चमत्कारी बदलाव हो जाते हैं। वह खुद ही डॉग के पीछे उछल कूद करके मीटिंग की इच्छा जाहिर करती है। बीच खुद होकर अपने पिछले भाग को डॉग की तरफ झुकाकर शांत खड़े रहती है और मीटिंग के लिए इजाज़त देती है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमल और एग्री के बारे में ऐसे नए नए टॉपिक लाते रहूँगा आपके लिए।